तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा हनुमान काइंड जिसका ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आई एम नॉट ए इंडियन रैपर, आई एम रैपर फ्रॉम इंडिया। तो इसी को लेकर अनुराग द्विवेदी क्या रिप्लाई दिया आप देखिए। अच्छा भैया अभी मुझे खबर मिली कि जो सिंगर है ये जिसने गाया है हनुमान काइंड, इसने नाम रखा अपना हनुमान काइंड और बोलता है आई एम नॉट एन इंडियन, ऐसा बोला ना, आई एम नॉट एन इंडियन रैपर, आई एम फ्रॉम इंडिया, ऐसा बोला है। चपेट पड़ेंगे तो नाम चेंज कर अपना गधे, चपेट पड़ेंगे। भगवान के नाम पर अपना नाम रखता है, उल्टा ही फेलता है। अरे मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इसके सारे गानों को रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो, इंडिया में इसके गाने रिलीज ही ना हो, बात ही खत्म। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं यो हनी सिंह एंड बादशाह के बारे में। तो वैसे रिसेंटली आपको बताया था कि हनी सिंह बादशाह के पास्ट के ऊपर बहुत कुछ बोला था, वो पास्ट में उनके साथ क्या किए थे इनके बारे में बताया था। तो उसी के ऊपर बादशाह ने रिप्लाई करा, वो भी पकड़ के प्रवचन के चैनल पर। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आप देखिए। I want to ask you about what is happening with Honey Paji, because I saw you recently graphic era mein you try to let go of things. यार वो मेरी personal उसके लिए था। आप अपने हल्का कर रहे थे कुछ? हाँ मतलब एक चीज मैं साथ लेके चल रहा हूँ, you know, it's like carrying around extra baggage. Also कि जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार, 10-12 साल में तो प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है, हो गया जो हो गया। आई थिंक ही इज ऑल्सो ह्यूमन, बंदा इवॉल्व होता है हर दिन, हर साल, हर हफ्ते इवॉल्व होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, लेट देम नॉट डिक्टेट Me or my actions today, that will be so foolish. तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं थाराबाई जोगिंदर के बारे में। तो गाइस थाराबाई जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड अभी थाराबाई जोगिंदर पुनीत सुपरस्टार के जैसा एक फनी वीडियो किया, तो उस वीडियो को आप देख लो। मम्मी मुझे पुनीत सुपरस्टार से मिलना है, मम्मी आओ सालो, आओ आओ सालो, मेरा टिकटॉक के सारे वाले सालो, तुम सैलून में जाते हो सालो, ताकि गोरे हो जाओ ब्लीच करा के सालो नल्लो, ताकि कोटी बंगलों की बड़ी बड़ी लड़कियां तुमसे पटे। तो कमेंट करके बताओ ये मैंने किसकी एक्टिंग की है। अगर वो भाई तुम्हारी स्टोरी डालेगा तो किन्हीं दो लकी विनर को मिलेगा बहुत बड़ा गिफ्ट, और वीडियो शेयर करना, और हाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गिफ्ट नहीं मिलेगा। नाइस। तो गाइस आपको ये फनी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइन अर्जी के बारे में। तो गाइस आपको बता दूं, ये एक यूट्यूबर है जो कि बिजनेस इन्वेस्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तो रिसेंटली उसके साथ एक शॉकिंग इंसिडेंट घट गया जिसको वो अपने इंस्टाग्राम पर डाले, आप देखिए। सूरत में इतना गंदा चीज हुआ, अभी मैं यहाँ पर आया फिलो द विला एंड पूरी टीम आई और इन लोगों ने मेको और फैजान को अंदर नहीं आने दिया जस्ट बिकॉज ये लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हो। आई हेट दिस। इंडिया, गुजरात, सूरत, आजाद देश, और वहां पे भी ये बदतमीजी, ये घटियापन, ये बदतमीजी, इतनी गंदगी है अभी देश में, इतना माइंडसेट लोगों का गंदा है, मर चुकी इंसानियत। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं YPM व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस YPM ने रिसेंटली ओला का एक स्कूटर खरीदा था एंड अचानक वो स्कूटर को कुछ इशू हो गया जिस वजह से वो स्कूटर को ओला के सर्विस सेंटर में भी ले गए। तो वो सर्विस सेंटर में जाके कुछ कंप्लेन करता है एंड उस कंप्लेन को कोई सुनता ही नहीं। तो इसी वजह से वो बहुत गुस्सा होकर लिखता है डोंट बाई ओला स्कूटर एंड और भी बहुत कुछ बोलता है, तो उस वीडियो को आप देख लो। भाई इस वक्त मैं ओला की सर्विस सेंटर के अंदर हूँ और सारी की सारी स्कूटियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और मेरी स्कूटी भाई मैंने अभी 2 महीने पहले ली थी, ब्रांड न्यू स्कूटी ली थी, सारी जरा चेक करो खराब खड़ी हुई है और कहते हैं सामान नहीं है। एक ही कस्टमर है यहाँ पे, भैया जरा बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको इसके अंदर? भाई बहुत दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है बताओ? कभी तो इसका शोको खराब हो जाता है, कभी ये तो बार बार तो रीसेट हो जाती है, आप इससे चलते चलते एक दो बार तो मेरा एक्सीडेंट होने बचा है, चल तो बीच में बंद हो गई। भाई यार मैं तंग हो चुका हूँ इस वाली स्कूटी से, कब से मैं देख रहा हूँ कि ओला के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई आपके खुद के पैसे हैं, 1,00,000 रुपए की स्कूटी आपके ऊपर है, अभी इनके कॉल कर रहे हैं मैनेजर को, फोन ही पिक नहीं करते और सब के सब तंग हैं यार। भाई दोबारा से आज मैं आया हूँ ओला सर्विस सेंटर के अंदर उत्तम नगर में, और ये लड़ाई झगड़े करने पे आ रहे हैं। कल वाली जो वीडियो थी ना अंकल जी, उस पे भाई सब लोग यही कह रहे हैं कि ओला की स्कूटी, अभी आपका मुहिम चलाएंगे बायकॉट ओला, पूरे दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बायकॉट मजिया के चला दूंगा मैं, जरूरी है। वो किसी को कॉल कर रहे हैं, सेम केस पे सर, वो यहाँ पे इनका गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ खराब के खराब गाड़ियाँ, बाहर देखो पूरी लाइन लगी है। तो गाइस इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।